तो यार व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो व्लॉग को आप एंड तक के देखते रहना, काफी कुछ हम करेंगे उसमें। तो जल्दी से मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ और ये वाली मैं हुडी पहन रहा हूँ, देखो मेरे पे काफी अच्छी लग रही है हुडी, एक बार अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे हमारी कोना है, आप देख लो चार्जर कनेक्टेड है ये वाला बड़ा सा प्लग के थ्रू, तो ये बेसिकली चार्ज हो जाएगी कुछ ही देर में, एक दो घंटे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्टेंस कितना दूर, उसके लिए हम ओला पे जाते हैं और ओला स्कूटर में हमारे पास मैप भी है, तो फटाफट से मैं इसका पासकोड डाल दूँ, यहाँ पासकोड आपको डालना पड़ेगा। तो हमारा स्कूटर अनलॉक हो गया, अभी 58% चार्ज हुए हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको फटाफट से, साइड में आता हूँ और यहाँ पे लोकेशन में सर्च करता हूँ। बेसिकली हमको जाना है सूर्य ट्रेशर आइलैंड मॉल, यहाँ हमारी सिटी में एक ही मॉल है जो कि उसी में PVR में हम मूवी देखेंगे थिएटर में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो मॉल का आ चुका है डिस्टेंस कितने दूर है मॉल, आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं 6.4 किलोमीटर, मतलब लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है मॉल और 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे इजीली। तो यार सब चीज़ रेडी हो गया, अब हम फटाफट से निकल जाते हैं मॉल की तरफ। तो उसके लिए मैं गाड़ी रेडी कर लिया हूँ और यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड भी लगा दिया है ताकि वीडियो बनाया जा सके मॉल के अंदर पे, इसके अंदर ब्लॉग आगे का शूट करेंगे। तो मैं फटाफट से गाड़ी लेके अपने निकल जाऊँ। तो गाइस ये देखो फ्रीजर है और ये दरवाजा बंद कर रहा है ताकि घर में चोरी ना हो जाए, अकेले घर में, इसीलिए जिम वाले जूता पहने का पार्टी भी है, जिम वाला पहने की भाई के साथ जमेगा जिम वाले भी, अगर पता चला ना घुसने नहीं देंगे अंदर, जूता धुलवाएगा मेरे से साथ। अच्छा हाँ मेरे से भी कल वैसे ही हुआ था। जल्दी चल भाई टाइम हो गया, लेट हो गए, कितना बज गया, 12:21 हो गया, 1 बजे तक के है अपना, 1 बजे तक पहुँचना है। हाँ आराम से पहुँचेंगे, 10 मिनट का रास्ता है, पूछ ला गया, मैं चलाऊँ गाड़ी अभी शुरुआत में, देख जाएंगे मेरे को रुकना है। हाँ तो तू चला ले, अगर खुला हो तो ही रुकेंगे। हाँ। नहीं तो फिर बाद में देखूंगा उसको। ठीक है। पहले हेलमेट निकाल देते हैं, टाइम हो रहा है 1 बजे का शो है। तो अभी हमारा 1 बजे का शो है और मैं 4 साल बाद मॉल में आया हूँ, काफ़ी कुछ बदला लग रहा है और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है 4 साल बाद मॉल में आने के। तो कितने बार तू लास्ट टाइम को गया था मॉल? कुछ भी नहीं इन लोग घूमने वाले हैं, मैं अभी अभी चालू किया, घर में परमिशन नहीं मिलता था घूमने का, अभी अभी मिलने लग गया है, जैसे नया फ़ोन सब थोड़ा प्रोफेशनल बनना है ना अपने को भी, गाड़ी वाड़ी भी मिल गया है। अभी तक अपने बाकी दोस्त नहीं आए और मूवी का टाइम हो रहा है, बस 10 मिनट बचे हैं मूवी को, तो इन लोग जल्दी आ जाए बस, क्योंकि टिकट तो उन्हीं के पास है। तो यार हमको वहीं पे जाना है PVR में, सिनेमा में, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, काफी अच्छा है माहौल यहीं से दिख रहा है मेरे को। चलो जल्दी चलते हैं PVR, लेट तो हो रहा है मेरा भाई। हाँ इन लोग बहुत लेट कर दिए, क्या जूते लग रहे हैं, 80,000 के जूते है, सब सबका घर बिकेगा इसी में, 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएंगे, इस तेरा घर इसमें खेले जाएगा। क्यों ये पहले से ही, कौन सी मूवी है? अरे अपना एडिटर आ गया, हम रोहिया ही है जो सबका टिकट बुक किया, लेट करता है नहीं भाई, लेट वेट नहीं, सबके साथ झूठ बोल रहा है। मूवी का नाम ले, दर्शकों को मूवी का नाम बता। ये क्या है? भेड़िया है, भेड़िया सर्कस है। सर्कस तो अपन कौन सा देखेंगे? अवतार। ये अपना मूवी है अवतार, इसका सेकंड पार्ट, इसलिए मैं आया हूँ
मैं एक्साइटमेंट में हूँ, 6 साल बाद सिनेमा घर में मूवी देख रहा हूँ। तो पायरेसी में देखता था मूवी डाउनलोड करके फ्री में, तो 6 साल बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ मूवी कोई भी, और दोस्तों के साथ तो पहली बार ही देख रहा हूँ, तो घर वालों के साथ ही ज़्यादा था। 6 साल पहले जब आई थिंक मैं 11-12 साल का होऊंगा, उस समय मैं थिएटर्स में मूवी देखता था। सो गाइस वो देखो 3 लोग हैं, वो लोग अपने साथ आएंगे, काफ़ी लेट कर दिया इन्होंने लेकिन अब फाइनली आ गए, चलो उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। भाई की रॉयल एंट्री। ओह अरे रुको रुको रुको, मेरे लिए तो रुक जा। वाह वाह क्या सीन है। गाइस अभी इंटरवेल हो गया और हम आए हैं पॉपकॉर्न लेने, काफ़ी महंगा पॉपकॉर्न है। चीज़ पॉपकॉर्न बोला, चीज़ पॉपकॉर्न ठीक है, तो पॉपकॉर्न ले लेते उसके बाद में आगे का ब्लॉग शुरू। तो यार मूवी हो चुकी है एंड, और शुरू में तो मेरे को बोर लगा, फिर आखिरी में स्टोरी समझ आई और काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। फाइव में से कितना रेटिंग देगा? 3 स्टार। अच्छा तो 5 आउट। अच्छा तो उसी की जैसे VFX एडिटर बनना है ना। हाँ अच्छी मूवी देखा इस बार, एक ही बात देखने लायक है, बोर हो जाएगा। 5 में से कितना स्टार रेटिंग देगा? 5 में से कितना स्टार? 3 स्टार। अरे ये भी सेम 3 स्टार, ये भी 3 स्टार। मूवी को कितना रेटिंग देगा 5 में से? सब 3 स्टार दे रहे हैं। मूवी कैसी लगी? अच्छा ठीक। मूवी देखने के बाद अब हमें लग चुकी है भूख और हम जाएंगे कुछ खाने। मॉल का खाना बहुत महंगा होता है ये बात तो सबको पता है, देख लेते कितना बिल बनेगा। कितना रखा है? मैकडी जाना है कि KFC जाना है? और भाई को घर से अरे वाह। और जो भी लोग ब्लॉग पे सही कराएंगे सभी एक बार खत्म कर लेंगे, दूसरे बार भी पियेंगे, इसी तरह से 300 रुपए बच गया अपना रिफिल कराने के कारण। ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करो।